ब्रॉट यू बाय मेघदूत सत्रीठा। मेघदूत सत्रीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सत्रीठा शैम्पू। मैं यहाँ पनकी क्षेत्र से रहने वाली हूँ। इन लोगों ने मुझे मोहर मारा, बजरंग दल वाला। बजरंग दल जो हमेशा ही किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में बना रहता है, एक ताजा मामले में अब वो चर्चाओं के साथ साथ विवादों में भी घिर गया है। दरअसल कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर आरोप लगा है कि सोमवार की शाम को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दारू के नशे में सड़क किनारे ठेला लगाने वाली महिला से किसी बात को लेकर पहले तो अभद्रता की, जिसके बाद दोनों के बीच में मारपीट शुरू हो गई। आरोप तो यहां तक लगा है कि महिला के पास में ही पड़ी लाठी से उसने युवक को मारा, तो बजरंग दल के कार्यकर्ता ने भी महिला के सिर पर हमला कर दिया जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। तस्वीरों में दिख रही महिला की तरफ से ही आरोप लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि महिला के सिर पर चोट लगी है तो वहीं वो फूट फूट कर रो भी रही है। पहले तो काफी देर तक वो रोती ही रही, लेकिन थोड़ी देर बाद अपनी बात बताते हुए क्या कह रही है, चलिए सुनवाते हैं आपको। मैं यहाँ पनकी क्षेत्र से रहने वाली हूँ। इन लोगों ने मुझे मोहर मारा, बजरंग दल वाला। नाम बताओ अपने। विवेक त्रिवेदी और उसके भाई बजरंग दल से मुझे धमकी भी दे करके गए कि मैं यहाँ कुछ नहीं दुकान लगा पाऊंगी ना कुछ, मैं यहाँ पर रहती हूँ। मुझे मारा भी वो तो चोट दिखा दी, जानलेवा हमला किया, जानलेवा हमला किया ही बदल गया। इससे हाथ डालने की कोशिश की, लोगों ने 2000 रुपये देंगे कह रहे थे, मैंने बोला तो इन लोगों ने मुझे मारा। आपको बता दें कि सीधे सीधे गंभीर आरोप लगा है अभिषेक त्रिवेदी पर, जो कि बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जब ये घटना हुई तब आरोपी नशे की हालत में था। वहीं घटना का वीडियो वायरल हुआ और महिला ने भी थाने जाकर आरोपी के खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये कल मामला हम लोगों के संज्ञान में आया, वायरल हुआ था वीडियो, और जैसे ही मामला संज्ञान में आया हमने इसमें मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया है और विवेचना जारी है। जैसे भी होगा दोषी को सजा दी जाएगी। इस वीडियो में वो किसी दल पे या किसी पे आरोप लगा रही है, किस दल पे आरोप लगा रही है, किस पे आरोप लगा रही है? हाँ, आरोप इन्होंने लगाया है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता थे जो कि आए हैं उनका ठेला हटवाने के लिए, उन्होंने कुछ कहा सुनी हुई, उसी में मारपीट हुई। वहीं इसी बीच बजरंग दल के संयोजक कृष्णा तिवारी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि महिला किसी एक शख्स का नाम लेकर पूरे के पूरे बजरंग दल को ही बदनाम कर रही है, ये कोई साजिश है, जांच के बाद सब सामने आ जाएगा। देखिए, आरोप तो किसी पर भी लग सकता है। आरोप तो सावरकर जी पर भी लगा था कि देशद्रोही हैं, तो क्या वो देशद्रोही हैं? आरोप लगाने वाले आरोप लगाया करते हैं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य रहेगा। इसकी पुलिस अपना जांच करेगी, जांच के बाद जो निकल कर आएगा उस हिसाब से कानूनी जो कार्रवाई होनी हो कानूनी कार्रवाई होगी। उसमें व्यक्ति विशेष को टारगेट ना करके संगठन को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए लग रहा है कि वो एक षड्यंत्र के तहत वो वीडियो बनाया गया, क्योंकि अगर वो सिर्फ और सिर्फ जिसने मारपीट की अगर उसको उसका नाम लेकर टारगेट किया जाता तो मान सकते थे कि हाँ किसी व्यक्ति विशेष से उसकी लड़ाई हो सकती है, लेकिन उसमें व्यक्ति विशेष का नाम ना लेकर सिर्फ और सिर्फ संगठन को टारगेट करके संगठन के खिलाफ बोला जा रहा है, इसलिए इसकी सत्यता की जाँच होनी चाहिए और निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। और इसमें क्या घटनाक्रम है इसका तो अभी पता लगा, जब पुलिस अपना जाँच करेगी उसके बाद पूरी घटनाक्रम का पता होगा। आरोप बड़ा लेकिन कई सवाल भी खड़े करता है कि अगर मामले में जरा भी सच्चाई है तो आखिर कैसे एक महिला के ऊपर हाथ उठाया गया, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि मामले में बड़ा एक्शन कब होगा जिससे आगे कोई भी ऐसी हरकत करने की कभी सपने में भी ना सोचे। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।